आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गोरखपुर मंदिर के हमलावर अली मुर्तजा पर सियासत गर्मा गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद से तो सियासी तापमान और बढ़ गया है। केंद्रीय कानून मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने इस मामले पर सपा अध्यक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि हम किसी को भी सर्टिफिकेट तभी दे सकते हैं जब हमारे संबंध हो। विधानसभा चुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को करहल से कड़ी चुनौती देने वाले केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री पर सियासी हमले जारी रखे हैं। नगर निगम में आगरा फिरोजाबाद स्थानीय निकाय एमएलसी सीट पर मतदान के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री से जब गोरखपुर मंदिर के हमले के आरोपी अली मुर्तजा पर दिए गए सपा अध्यक्ष के बयान पर प्रतिक्रिया चाही तो उन्होंने विस्तृत रूप से अपनी बात इस मामले पर रखी। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर बघेल ने कहा कि सपा अध्यक्ष अली मुर्तजा को किस आधार पर क्लीन चिट दे रहे हैं। तापमान वैसे भी ज़्यादा है, लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा दिया गया गैर जिम्मेदार बयान से ये तापमान बढ़ा है। श्री अखिलेश यादव का ये कहना कि अली मुर्तजा अब्बासी मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, हम लोगों को भी करेक्टर सर्टिफिकेट देने का अधिकार है, तो मैं जब उसी को अपना क्षेत्र प्रमाण पत्र, या हमारे बगल में पार्षद जी खड़े हैं, पार्षदगण, ये तभी करेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं जब वेल नोन होता है, क्योंकि हमें लिखना पड़ता है कि इज़ वेल नोन टू मी सिंस लास्ट 6 मंथ, तो वो हम देते हैं, और जब हमें शक शुभा शंका होती है तो हम नहीं लिखते हैं। तो अखिलेश यादव जी का क्लीन चिट देना कि वो मानसिक रूप से रोगी है, ये उनसे रिश्तों को या तो दर्शा रहा है, क्योंकि एक आईपीसी में है, शायद उनको नहीं ज्ञान होगा इस बात का, वरना ये बयान देते नहीं कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई एन इंटॉक्सिकेटेड पर्सन और ए मैड। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब कोई जनप्रतिनिधि किसी का भी चरित्र सर्टिफिकेट देता है तो उसमें ये लिखना आवश्यक होता है कि अमुक व्यक्ति को वो 6 महीने से जानते हैं। सपा अध्यक्ष का ट्वीट आईपीसी की धाराओं का फायदा उठाकर आरोपी को मानसिक विक्षिप्त बताकर क्लीन चिट देने का है। किसी भी नशे में नशेड़ी व्यक्ति अथवा जो है पागल व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध कोई अपराध नहीं होता, इसका लाभ वो उसको दिलवाना चाहते हैं, इसका मतलब उसकी अर्धविक्षिप्तता से वो पहले से परिचित हैं, माने उनके संबंध में, तो ये इस प्रकार की मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए दिया गया एक बयान है, और ये जांच अधिकारियों पर भी शक होता है, क्योंकि मैं यहाँ से गोरखपुर की घटना के बारे में बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बोल सकता हूँ कि मैं आईओ नहीं हूँ, और जाँच एजेंसी को देखना है कि इसका मोटिव क्या है। अखबारों से ही आपके चैनल के माध्यम से पता चलता है कि कभी वो किसी संगठन की सांप्रदायिक संगठनों की मेंबर ली, उनके भी लैपटॉप में कुछ प्रकार की आपत्तिजनक चीज़ें हैं, कम्युनल तो वो हैं ही, क्रिमिनल होना है तो अब वो क्रिमिनल हो गए। प्रोफेसर बघेल ने कहा कि अली मुर्तजा IITN है, जांच एजेंसियां जांच करने में जुटी हैं, उसके संबंध किससे हैं, ऐसे में इस तरह के बयान अपराधी और अपराध को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले की पूरी जांच इसलिए जरूरी है कि जब ये आतंकी संगठन IITN को अपने जाल में फंसा सकते हैं तो ITI वाले को फंसाना आसान काम है। आप ये देखो कि मोटिव देखना है कि ये उसका स्वयं के द्वारा लिया गया निर्णय है अथवा किसी आतंकवादी संगठन अथवा किसी एजेंसी का दुष्प्रेरण के द्वारा अथवा माइंड उसका ब्रेन वॉश करके किया कराया गया अपराध है। अगर ऐसा है तो केवल अली मुर्तजा अकेला सॉफ्ट टारगेट नहीं होगा, देश में अन्य भी होंगे। जब एक IITN को वो लोग टारगेट बना सकते हैं तो ITI वाले को करना तो और भी आसान होगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों IIT बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग के डिग्री धारक अली मुर्तजा ने गोरखपुर मंदिर पर सिपाहियों पर जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद अली मुर्तजा की कुंडली खंगाली गई तो उसके उच्च शिक्षित होने के साथ ही परिवार वालों की तरफ से मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने जैसे बयान सामने आने लगे। उसके बाद सपा अध्यक्ष के बयान ने भीषण गर्मी के बीच सियासी तापमान भी बढ़ा दिया है। विजय बघेल, सी न्यूज, आगरा।